I explain to you about the origin of the universe, then galaxy, what is galaxy, and then how from galaxy stars were born, star का formation कैसे हुआ, and then finally planets, moon. ये मैंने आपको एक तरह से simplified way में explain कर दिया था, ठीक है ना? तो first of all अगर हम universe की बात करें, because we don't know, we are not aware about the beginning of the universe and कि universe start कहाँ से हुआ, क्या हमारा एक यही universe या आगे कुछ है, मतलब क्या है ये किसी को पता नहीं है, बट जहां तक हमें नॉलेज है वो हमारी नॉलेज कहाँ तक है, आज से लेके जो हमारा 6 बिलियन का इतिहास है तब से हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है? और थोड़ा बहुत हमें ये पता है कि आज से 13 बिलियन ईयर्स पहले जो है एक आपका सुपरनोवा था, और सुपरनोवा मतलब एक स्टार टाइप का था, उसमें ब्लास्ट हुआ था, है ना? और उसके जो टुकड़े थे, उसके जो हैवियर एटम थे, दे वर फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स. उसके बाद जो है हमारा, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, तो ये सब स्टार्ट हुआ है आपका, हमारा जो गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम, ये आज से 5 to 6 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, ठीक है? तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब जब स्टार में एक्सप्लोजन होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं, और ये हमारा 13 बिलियन ईयर्स पहले हो चुका था. अब उसके जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, हैवियर एटम्स, दे वर फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स. और उसके बाद जो है आपका जो है उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फ्लोट हो रही थी, और हाइड्रोजन एंड हीलियम दे आर द बेस गैसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस जो किसी भी स्टार में आपको मिलेंगी, या और उसी जो हाइड्रोजन हीलियम से ही जो भी हमारे बेस है, हमारा मैटर का क्रिएशन हुआ है. आप मैटर, आप ये समझ लेना कि पहले यूनिवर्स में कुछ नहीं था, ठीक है ना? मतलब आपके हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस पार्टिकल्स, ये एटम मॉलिक्यूल्स, ये सब फ्लोट कर रहे थे, और इन्हीं से हमारा जो है नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स क्रिएट हुए, ये हम लोग अभी अर्थ पे देखेंगे. तो हमारा मैटर क्रिएट हुआ, मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं. तो वो कैसे हुआ, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था. सो आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में क्या चीज प्रेजेंट थी, जो मैंने आपको बताया था, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस, इट वॉज नोन एज नेबुला, एंड नेबुला कंसिस्टेड ऑफ विच गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो उसी से जो है हमारा जो है उसी से बिगनिंग हुई है सब. मतलब कहा जाता है कि यूनिवर्स में एक एक स्मॉल एटम, ठीक है, एक सिंगल एटम, उसके एक्सप्लोजन से हमारा पूरा पूरी गैलेक्सी का क्रिएशन हुआ है, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ है. तो एक एक सिंगल एटम की वजह से पूरा जो है हमारा जो है लाइफ एग्जिस्ट हुई है. और कैसे हुई है अब हम ये देखते हैं. अब आप अपनी बुक में देखिए, क्योंकि मुझे लगा कि बुक से भी आपको पढ़ाना एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए आपको वही पढ़ना है. तो पहले हम देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लाइक तो मैंने कल आपका बेस क्लियर कर दिया था, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे प्लैनेट्स तक फॉर्म हुए थे, वो आपको बता दिया था. देन आई डिफरेंशिएटेड बिटवीन जोवियन प्लैनेट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इसका भी डिफरेंस बताया था. तो मैंने आपका बेस क्रिएट कर दिया, अब उस पर हम अब हम बुक पे आते. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. सो जो भी हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन है या ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, उसकी आपके जो है दो थ्योरीज हैं. द फर्स्ट थ्योरी इज द अर्ली थ्योरीज, जो हमारी पुरानी थ्योरीज हैं, जब हमारे पास इतना बहुत ज्यादा जो है टेक्निक प्रेजेंट नहीं थी, हमारे पास इतना जो है मैकेनिज्म नहीं था, तो वो अर्ली थ्योरीज कही जाती है. देन वो अर्ली थ्योरीज जब फेल हो गई, जब मॉडर्न टाइम आया, जब हमारे पास ज्यादा हमारे पास टेक्निक आ गई, तब उन थ्योरीज को क्या कहते हैं, मॉडर्न थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स और अर्थ, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अर्ली थ्योरीज क्या थी, मतलब कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पुरानी थ्योरीज दी, कि उनके अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो इस तरह से बना है, फिर दूसरे लोग कहते हैं नहीं इस तरह से नहीं बना है, फिर अब जब एडवांसमेंट हो चुका है तो उस समय अब जो मॉडर्न थ्योरीज है वो ज्यादा हम लोग उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर साइंटिफिकली प्रूव्ड, ठीक है? तो हम लोग अर्ली थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है? अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ. आप लोग पास बुक है ना, तो अंडरलाइन करते रहना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हम किसी चीज को रखते हैं, स्टेटमेंट रखते हैं, और उसको हमें प्रूफ करना होता है,
ठीक है ना, मतलब अभी वो प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया कि भाई अर्थ इस तरह से बना हुआ है, बना होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोथेसिस। तो बहुत सारे फिलोसफर्स थे, मतलब सोचो अर्थ कैसे बना, वो फिलोसफर्स ने भी अपने अपने व्यू पॉइंट दिए थे। फिलोसफर मतलब जो कि साइंटिस्ट नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा ये जैसे हम कहते हैं कि ये भगवान ने बनाया है, तो ये सृष्टि की रचना भगवान ने की है ना, कहते हैं। अगर आप हमारे वेद पुराण देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है ना कि शिव थे सबसे पहले या ब्रह्मा थे, तो उनसे जो है देवी देवता बने, फिर उनसे क्रिएशन हुआ, ऐसे करके। तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने भी दिया था और साइंटिस्ट ने भी दिया। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट वॉज बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक आर्ग्यूमेंट या कुछ स्टेटमेंट दिया था ऑरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर, वो थे आपके जर्मन फिलोसफर एंड हिज नेम वॉज इमैनुअल कांट। देन मैथमेटिशियन लैपलास। किसी बच्चे का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ करिए जरा। मैथमेटिशियन लाप्लास रिवाइज इट इन 1796। तो जो भी इमैनुअल कांट ने कहा उसकी थ्योरी को रिवाइज किया वापस से मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था लैपलास। और उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी उसका क्या नाम दिया गया, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था ऑरिजिन ऑफ द अर्थ रिलेटेड, तो किसने दिया था, लाप्लास ने। ठीक है, एंड ही और वो मैथमेटिशियन थे। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विद द स्लोली व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। तो सबसे पहले लैपलास ने ही कहा था कि आपका जो प्लैनेट्स हैं या जो भी आपका सोलर सिस्टम पूरा डेवलप हुआ है, वो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अ जाइंट क्लाउड। कल आपको मैंने बताया था ना, जाइंट क्लाउड्स का नाम था नेबुला। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था लैपलास ने कि जो भी हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो बिकॉज ऑफ अ क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, क्लाउड की वजह से फॉर्म हुआ है। उसके बाद 1900 में चैम्बरलिन नाम के साइंटिस्ट थे एंड मॉल्टन थे, उन्होंने कहा था कि वंडरिंग स्टार है जो सन की तरफ आया और उससे जो है आपका जो भी सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ है। एज अ रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सर्फेस। एज द पासिंग स्टार मूव अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सर्फेस कॉन्टिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इन टू प्लैनेट्स। अब कांट ने अपना दे दिया, उसके बाद लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दे दिया, उसके बाद कौन आया, चैम्बरलेन और मॉल्टन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया वंडरिंग स्टार। क्या था, वंडरिंग स्टार। ठीक है ना, वंडरिंग स्टार मतलब उन्होंने कहा कि हमारा सन प्रेजेंट था और उसके बाद कहीं से दूसरा सन भी आया। ठीक है ना, वंडरिंग स्टार मतलब वंडरिंग क्या होता है, जो घूमता, कहीं से स्टार दूसरा आया और वो सन से टकराया है, और जैसे वो सन से टकराया तो सन का काफी जो हिस्सा था वो उससे बाहर हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, और वो आसपास घूमने लगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे वो जो गैसेस थे जो सन से अलग हुए, वंडरिंग स्टार के कोलिजन की वजह से, वो आपस कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने की वजह से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये समझ आया, सब सिंपल सी बात, कि हमारा सन प्रेजेंट है, कहीं दूर से दूसरा स्टार आया, वो सन को लेके सन से पास हुआ और उसने सन का मटेरियल जो था उससे अलग कर दिया और सिगार शेप में बन गया। सिगार समझते ना, एक तरफ सन है और वो दूसरा स्टार इस तरह से मूव किया, और उसने सन मतलब सन को बेसिकली क्या किया, टकराने की वजह से सन को, सन का कुछ हिस्सा ब्रेक कर दिया, और वो जो टूटा हुआ हिस्सा था वो सन के आसपास क्या हो गया, घूमने लगा, बिकॉज सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सबसे अधिक है तो वो किसका है, सन का है, और इतना है क्योंकि तभी सारे स्टार्स प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ग्रेविटी की वजह से वो जो जो मैटर्स थे वो बाहर नहीं गए, वो सन के आसपास रिवॉल्व होते रहे, कुछ पास में कुछ दूर में, वो कॉलिजन पे डिपेंड करता है कितना तेज कॉलिजन था, और इसी वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। वो जो टुकड़े उससे अलग हुए वो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए, और वो प्लैनेट्स में डेवलप हो गए। ये कहना था चैम्बरलेन और मॉल्टन का। उसके बाद आए आपके सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जेफरी। तो दे सपोर्टेड दिस आर्गुमेंट एट अ लेटर डेट। द आर्गुमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग, दीज आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। ठीक है, अब आगे चल के किसी भी साइंटिस्ट ने अगर ऐसा कहा कि एक सन था पहले से ही, हमारा सन था और कोई दूसरा स्टार आया, उसकी वजह से टकराने की वजह से कॉलिजन से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस हाइपोथेसिस को क्या नाम दिया गया, बाइनरी थ्योरीज। बाइनरी मतलब दो स्टार, कि दो स्टार की वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन 1950 ऑटो स्मिट इन रशिया एंड कार्ल विस्गर इन जर्मनी सम वॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस थ्रू द डिफरिंग इन डिटेल्स। ठीक है,
अब इतने सारे आर्गुमेंट्स आ रहे थे, ये सारे आर्गुमेंट्स आप याद रखना कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है ना, एमसीक्यूज में ये सब आते हैं। अब 1950 के दशक में दो आपके साइंटिस्ट आए, एक जर्मनी से और एक रशिया से, जिन्होंने अब हम सब पढ़ते रहते हैं ना कि ये थ्योरीज आई हैं, और हम सोचती भी रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, वो जो सोचते हैं कि भाई कैसे अर्थ बना होगा, तो जब वो पुरानी थ्योरीज देख रहे होंगे तो उन्होंने देखा कि नेबुलर हाइपोथेसिस उनको ज्यादा एप्ट लगा, ठीक है ना। उन्हें लगा कि बहुत सारी थ्योरीज तो हैं बट उसमें से लाइक बाइनरी थ्योरीज हैं, लेकिन उन्हें लगा कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। दे कंसिडर्ड दैट द सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, अलॉन्ग विद दैट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। तो इन जो आपके साइंटिस्ट थे दोनों, रशिया के और जो जर्मनी के थे, ओटो स्मिट और काल, उनका ये मानना था कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका नेबुला से ही हुआ है, कि कोई ना कोई गैसेस आइटम आपका प्रेजेंट था और उसी में जो रिएक्शंस हुए हैं उसी की वजह से हमारे सन का फॉर्मेशन और हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। द फ्रिक्शन एंड कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ये एक्रीशन वर्ड सब आप याद रखेंगे, एक्रीशन, आप इसे सर्कल कर लीजिए, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो भी क्लाउड था गैसेस का, ठीक है ना, वो जो गैसेस क्लाउड था नेबुला, उसमें आपके हाइड्रोजन के एलिमेंट्स थे। आप सब साइंस पढ़ चुके हो बच्चे, तो उसमें आपको पता है कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में, तो आपके जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ उस क्लाउड में कि आपके जो एटम्स थे वो आपस में क्या होने लग गए, कोलाइड करने लग गए, है ना, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये आपस में ये इनका कोलिजन होने लग गया, तो इससे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है तो प्रोटॉन्स में कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आज भी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस चलता है, जिससे कि आपका हीलियम हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी सन से निकलती है। सन जो है हमारा 6 बिलियन ईयर से अनइंटरप्टेड सनलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बाय बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने भी बताई कि जो सन है, ये जो हमारा क्लाउड था गैसेस का जिसको हम नेबुला कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन की वजह से हमारे एटम्स आपस में कोलाइड हुए और उनके कॉलिजन से मैटर क्रिएट हुआ है, और मैटर क्रिएट होने के बाद आपके डिस्क शेप के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स फुली अपने फॉर्म में डेवलप होने से पहले उनको क्या नाम दिया गया था, प्लैनेटिज्मल्स। क्या कहा गया था, प्लैनेटिज्मल्स। देन उसके बाद काफी समय बाद वो अपने प्रेजेंट जो है रूप में तैयार हुए। अब ये एक्रीशन क्या था, इन्होंने कहा कि जो भी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है इट इज ड्यू टू एक्रीशन। आप ये याद रखना, एक्रीशन वर्ड ACRETION। इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक्रीशन, एक्रीशन मतलब होता है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज बनी है वो ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक से आपका सन इतना बड़ा सा फॉर्म हो गया, या हमारा अर्थ इतना जो है आज जो इसका साइज है वो इतना एक मिनट में बनके तैयार हो गया। जो भी चीजें बनी है वो सिंगल एटम से ही बनी हुई है। स्टार्टिंग में जो हमारा अर्थ था इट वाज लाइक अ बॉल, छोटा सा बॉल फॉर्म में था, छोटा सा एक मैटर था, उस पे लेयर, एक लेयर, दो लेयर चढ़ती गई है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं लेयर बाय लेयर जो है इसमें एडिंग एडिशन होता गया, और तब जाके हमारा हमारी जो सरेशी बॉडीज है वो बनके तैयार हुई है। तो ये जो एडिशन हुआ है लेयर बाय लेयर, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्रीशन। सो एक्रीशन मीन्स जब कोई छोटी चीज जब धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि उस पर लेयर्स चढ़ती जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो जो भी हमारा सन था, सन ऐसा नहीं था कि तुरंत बहुत इतने साइज में बढ़ गया, सन भी छोटा सा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो डेवलप हुआ है, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग थी, तो उसने अपने आसपास के जो भी गैसेस थे, विंड डस्ट पार्टिकल्स थे, जो भी आपके प्रोटॉन्स थे, उनको अपने अंदर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उस पर लेयर चढ़ती गई, और आज के टाइम में वो इतना जो है हमारे अर्थ से काफी बड़ा है सन। उसी तरह से हमारे प्लैनेट्स भी इसी तरह से बहुत स्मॉल नो साइज था उनका, छोटा साइज था, और एक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो है इनका साइज, अब से अर्थ है उसकी भी अपनी ग्रेविटी है, आपको पता है ना हमारे अर्थ में नीचे सबसे नीचे क्या है, कोर है, और कोर सबसे डेंस है। जितना हैवी आइटम होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, भारी होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, डेंस होता है, और जितना ज्यादा डेंस होगा
उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो सन का जो इंटीरियर है वो बहुत डेंस है, उसमें हीलियम हाइड्रोजन ये भरा हुआ है उसमें, इसीलिए सबसे अधिक हमारे सोलर सिस्टम में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो किसका है, सन का है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ये फोर इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वो सन के पास थे, मैंने आपको कल बताया था, और वो बने हैं किससे, रॉक से एंड मेटल से, इसलिए ये भी काफी छोटे साइज में है एज कम्पेयर टू जुपिटर एंड जो और फोर प्लैनेट्स हैं, सैटर्न नेपट्यून एंड यूरेनस, उनसे काफी स्मॉल साइज में। जुपिटर हमसे 11 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, लेकिन तब भी हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अर्थ जो बना हुआ है वो आपके हैवी रॉक्स एंड मेटल से बना हुआ है, जबकि हमारे जो अदर फोर प्लैनेट्स हैं जिनको हम आउटसाइड आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जो जुपिटर से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे किससे बने हुए हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, तुम्हारे कितने सारे साइंटिस्ट थे, सबसे पहले कौन से थे, इमैनुअल कांट, उन्होंने फिलोसफी दी अपनी, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेस नहीं दिया। सेकेंड कौन आए, लैपलास, और लैपलास आप याद रखिएगा किस ईयर में आए, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद कौन आया, चैम्बरलेन एंड, और कौन आया, हाँ मॉल्टन, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, हाँ वंडरिंग स्टार। ठीक है, तो दूसरा तारा आया, उसने कोलिजन किया सन को, और उससे हमारा स्टार का फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। और आगे चल के इस टाइप की थ्योरीज को क्या नाम दिया गया, बाइनरी, बाइनरी थ्योरीज, मतलब सन के साथ किसी और बॉडी को भी जिम्मेदार ठहराया गया प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन आगे चल के इसको रिफ्यूट कर दिया गया, रिफ्यूट मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक है, कि कहा जाता है कि ऑलरेडी कोई चीज ऐसी प्रेजेंट थी जिनकी वजह से, एक चीज से ही पूरा हमारा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ है, कोई भी आउटसाइड बॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आपके कौन आए, जर्मन, यस जर्मन साइंटिस्ट कौन थे, ओटो स्किम, एंड दूसरे कौन थे, कार्ल। ठीक है, वो कहाँ के थे, कार्ल जर्मनी के थे, और ओटो कहाँ के थे, रशियन। इन लोगों ने किसको, आप कौन सी थ्योरी को जो है सपोर्ट किया, नेबुलर, जो लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस था उसी को उन्होंने सही माना, बेस माना कि यही एप लगता है, और बाइनरी थ्योरीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और उन्होंने कौन सा एक नाम दिया, एक्रीशन। ठीक है ना, एक्रीशन वर्ड दिया, कि एक्रीशन के थ्रू जो है हमारे प्लैनेट्स बने, दे आर स्मॉल इन साइज बट आफ्टर लेयर एडिशन ऑफ द लेयर आफ्टर लेयर द ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म, या चाहे सन हो। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन दैट ऑफ जस्ट ऑफ द अर्थ और द प्लैनेट्स। बाकी हमारे जो आगे के साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि पहले हम अर्थ को अगर लेके चलेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो हमें पहले ये देखना हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो आगे की जो साइंटिस्ट आए उन्होंने किसका किससे स्टार्ट किया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ये हमारे यूनिवर्स कैसे बना। अब नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है थ्योरी का, बिग बैंग। बिग बैंग मतलब क्या होता है, धमाका। ठीक है ना, एक्सप्लोजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मिल गया आपको। एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, 1920 के टाइम में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एडविन हबल। तो ये इन्होंने जो है कहा कि जो हमारे यूनिवर्स है वो फैल रहा है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स एक जगह रुका हुआ नहीं है, यूनिवर्स आपने देखा ना, यूनिवर्स खैर ये जो स्पाइरल फॉर्म में होता है, जो आपका क्लाउड टाइप लगता है उसे हम क्या कहते हैं, जो स्पाइरल फॉर्म में होता है, कल मैंने आपको बना के दिखाया था ना, स्पाइरल फॉर्म में जो होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या बना था बताओ, नेबुला से सबसे पहले क्या बना था, नेबुला को हम अदर नेम में क्या जानते हैं, गैलेक्सी, आकाशगंगा। जब आकाशगंगा बनी है उसके बाद स्टार बना है, स्टार के बाद प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज बनी है, मून। ठीक है, तो अब जो है एडविन हबल उन्होंने 1920 में थ्योरी दी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। अच्छा, अब याद रखना सबसे पहले हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लैक है, हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत शुरुआत है, कहाँ से एंड कहाँ पे खत्म होने वाला है। यूनिवर्स में हमारे क्या है, बहुत सारी गैलेक्सीज है, जो नेबुला है, एक तो हमारा सोलर सिस्टम का ही नेबुला है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा, मिल्की वे, लेकिन ऐसे नेबुलास बहुत सारे हैं ब्रह्मांड में।
आपको पता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आप बहुत डिटेल में सोचोगे। अगर आप अर्थ, अगर आप एक कैमरा, एक अपने आप माइंड में पिक्चर बनाओ कि आप कैमरा फिट कर दो अपने ऊपर, सबसे पहले आप अपना सर देखो, उसके बाद आप ऊपर जाओ, फिर आप और ऊपर चले जाते हो। एक आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको फिर आप अपनी अर्थ को देखो, अर्थ से ऊपर जाओगे तो आपको जो है और प्लैनेट्स मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको अपना पूरा सन जो है, सन अपना सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा, उसके ऊपर जाओगे तो गैलेक्सी, गैलेक्सी से ऊपर तो आपको और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी, और उससे ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा कि आप तो कुछ हो ही नहीं, ठीक है ना, हम लोग तो कुछ है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स इज सच अ ह्यूज फेनोमेना। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे हबल ने कहा, अब ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दी, जो बहुत ही फेमस हो गई और बहुत अच्छा, बहुत ही एप माना जाता है इसको, और इनके नाम से हमारे जो स्पेस है उसमें बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप सुना आप लोगों ने, दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है उसका नाम दिया गया है हबल टेलीस्कोप, जो अमेरिका नासा ने बनाया है, और वो लोग बहुत मतलब उसको फिट कर रखा है स्पेस में उन्होंने। जैसे जब भी नासा कुछ भेजता है ना ऊपर स्पेस में, तो वो उन्होंने कहाँ फिट कर रखा है मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ कहीं स्पेस में फिट कर रखा है, जिससे वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। अभी जो एडविन हबल थे उन्होंने कहा कि जैसे बैलून है, बैलून में आप डॉट्स लगा दीजिए, ठीक है ना, अभी बैलून को आप उसमें एयर फिल मत करो, वैसे जो आपके पास बैलून है उसमें आप डॉट्स लगा दो पेन से, ठीक है। अब जब आप उसमें एयर फिल करोगे, उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए कि यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हो रहा है, आप जब उसमें एयर फिल करोगे तो बैलून फैलेगा, है ना, स्प्रेड होगा, तो इसका मतलब उसी तरह से हमारा जो यूनिवर्स है वो स्प्रेड हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही स्प्रेड नहीं हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, उसमें जो गैलेक्सीज हैं वो भी क्या हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी बैलून पे आपने डॉट्स लगाए हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, जब आप उसमें एयर फिल करोगे तो बैलून तो फैल ही रहा है, साथ ही साथ जो जो वो डॉट्स पतले से लगे हुए ना उसमें, वो भी अपने आप में भी एक्सपेंड होंगे, और ऐसा सच में भी होता है, ठीक है ना। तो आप अगर उसमें जो डॉट्स को ध्यान से देखोगे, जैसे से आप बैलून फुलाओगे, उस डॉट को देखते रहना, वो डॉट भी अपने आप में क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे यूनिवर्स के साथ साथ हमारी गैलेक्सीज भी जो है वो स्प्रेड हो रही है। अब ये कहाँ तक सही था हम आगे देखते हैं। नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून, ये मैंने आपको बता दिया, सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग, एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर टू बी एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सीज है उनका डिस्टेंस आपस में जो है एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। आज कहा जाता है कि आज जहाँ पे हम अपने ऊपर क्या देखते हैं, जो स्टार्स हमें दिख रहे हैं, आज से 1,000 साल बाद, क्योंकि हर सेलेस्टियल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो क्या पता हमारे सर के ऊपर आज हमें तारे दिखते हैं, कल को हमें कहा जाता है कि हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी वो एंड्रोमेडा, मैंने कल आपको बताया था, तो ये कहा जाता है कि एंड्रोमेडा जो है वो हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसका मूवमेंट जो है वो हमारी तरफ हो रहा है। तो क्या पता आज से बहुत सालों बाद जब हम स्पेस में देखेंगे तो हमें तारों के साथ साथ हमें दूसरी गैलेक्सी भी हमारे आसपास नजर आए। यू नेवर नो कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी पृथ्वी भी बदल जाएगी, हम अपने आसपास जो है मून देखते हैं, स्टारों के साथ हम क्या पता कुछ और प्लैनेट्स देखने लग जाएं जो हमारे बिल्कुल आसपास आके बैठ जाएं, है ना। तो डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। हाउ एवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द बैलून, द पॉइंट्स देमसेल्फ्स आर एक्सपेंडिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट, ठीक है। तो आपके जो हबल थे उन्होंने कह दिया कि जैसे बैलून का पूरा एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि गैलेक्सी भी एक्सपेंड हो रही है, लेकिन कई साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो गैलेक्सी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो एक्सपेंड नहीं हो रही है, सिर्फ हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए जो बैलून थ्योरी है वो पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो डायग्राम नजर आ रहा है में क्या लिखा हुआ, नहीं थे बिग बैंग लिखा हुआ है, इस थ्योरी से आप देख सकते हो, इस मैम डायग्राम से सिंगुलैरिटी लिखा हुआ है, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मतलब कि स्टार्टिंग में ये जो ब्लैक देख रहे हो आप, ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, एटम है, ये सिर्फ एक सिंगल एटम से एटम आपका क्या होता गया, ग्रो करता गया, जैसे फ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, फ्यूजन का प्रोसेस सुना है, रिएक्शन, चेन रिएक्शन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके, तो उसी तरह से एक सिंगल एटम से हमारा पूरा क्या बना है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, हमारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो देखो एक सिंगल एटम था, उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके एक्शन से आप देखिए 4 हो गए और मल्टीप्लाई हो गए, हमारी हमारी गैलेक्सीज बनी, फिर और वो एक बड़ी हो गई और फिर वो और स्प्रेड होता चला गया। तो बिग बैंग बताता है कि सिर्फ एक सिंगल आइटम से हमारा पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। अब हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी जो आपके स्टेजेस में दिया हुआ है।
First stage, in the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball, जिसको हम सिंगुलर एटम के नाम से जानते हैं. एटम आप जानते हो, पढ़ा है आपने कभी साइंस में, एटम मॉलिक्यूल्स है ना. तो एटम आपका बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है लाइफ की, जिससे हमारी बॉडी भी बनी होती है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं. तो उसी तरह से कहा जाता है कि इन द बिगिनिंग यूनिवर्स में एक सिंगल एटम फ्लोट हो रहा था, घूम रहा था, ठीक है ना. विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफिनाइट टेम्परेचर एंड इनफिनाइट डेंसिटी. और वो जो स्मॉल आपका एटम था वो बहुत ही छोटा था, मतलब उसकी इनफिनाइट जो है आपका वॉल्यूम था, टेम्परेचर बहुत हाई था उसका, और उसकी डेंसिटी भी काफी हाई थी. मतलब वो काफी हैवी था, था तो छोटा सा बट इट वॉज वेरी हैवी, और उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हो रहे थे इसीलिए. एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली. अब एक समय ऐसा आया जब वो टाइनी बॉल जो कि यूनिवर्स में फ्लोट हो रहा था, कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जब उसमें क्या हो गया, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ, ठीक है. इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम. आज से 1300 बिलियन ईयर्स पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर, सोचो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को फॉर्म हुए 6 बिलियन ईयर्स हुए, और ये बिग बैंग कब हुआ था, 13 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है. तो 13 बिलियन ईयर्स पहले हम एक सिंगल एटम था जो बहुत हाई टेम्परेचर था, जिसका बहुत हैवी वेट था उसका, उसमें धमाका हो गया. अब धमाका होने से क्या हुआ, एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इन टू मैटर. अब कहते हैं जैसे उसमें धमाका हुआ उस एटम में, बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उससे प्रोटॉन्स का क्रिएशन हुआ, डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स उनका क्रिएशन हुआ, और उस धमाके की वजह से उसमें काफी रिएक्शन हुआ है, और ये काफी लंबे समय तक चलता रहा है. खैर वो अभी तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा और भी चीजें. तो जैसे वो धमाका हुआ, पहला मैटर आपका बनके तैयार हुआ. कहते हैं जो गैसेस थे, गैसेस आपस में मिले हैं, इतना हाई टेम्परेचर था और कॉलिजन हुआ है, जिससे आपके गैसेस और डस्ट से आपका मैटर बनके तैयार हुआ है. मैटर मतलब पदार्थ जिसको हम टच कर सकते हैं. देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग. जैसे धमाका हुआ है, सेकेंड के अंदर ये पूरा का पूरा पूरे यूनिवर्स में फैल गया धमाके से. जितना भी पूरा एक सिंगल एटम से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं, गैसेस का ओरिजिन हुआ है. देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन. और फिर कहते हैं कि सेकंड में ही धमाका फैला और 3 मिनट के अंदर, मतलब टेम्परेचर इसका मतलब कितना, 1000 गुना बढ़ गया था, ठीक है. जैसे धमाका हुआ टेम्परेचर 1000 गुना बढ़ा है, लेकिन 3 मिनट के अंदर फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो गया. देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन. तो इनिशियली तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ, फिर धीरे धीरे होता है ना कि जब बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है तो स्टार्टिंग में बहुत फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेबल होना शुरू होता है. वैसे ही आपका धमाका हुआ, फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हुआ. विद इन फर्स्ट मिनट, फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म. और विद इन इस ब्लास्ट के 3 मिनट के अंदर पहला एटम जो है, पहला मैटर जो है वो बन के तैयार हुआ. विद इन 300,000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. ठीक है, फिर और डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, और यूनिवर्स जो था वो पूरा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया. जब बिग बैंग हुआ था तो पूरा यूनिवर्स क्या हो गया था, अब कहीं धमाका तो धुएं से भर जाता है ना, उसी तरह से आपका पूरा यूनिवर्स था ओपेक फॉर्म में हो गया था. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ है, एटम का फॉर्मेशन हुआ है, तब आपका जो मैटर का फॉर्मेशन हुआ है, आपका जो यूनिवर्स था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया. आज के टाइम में यूनिवर्स कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना, आपको तारे दिखते हैं, ये सब है. तो आप ये क्या है, हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होता चला गया. द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज. एन अल्टरनेटिव टू दिस वॉज हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट. सर ये पढ़ना जरूरी है, इतना मैं नहीं बताऊंगी. मेन आपको जो है बिग बैंग मैंने आपको बता दिया, बिग बैंग के स्टेजेस आपको समझ में आ गए, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो बिग बैंग में क्या था, एक सिंगुलर आइटम प्रेजेंट था, एटम प्रेजेंट था, उस एटम में धमाका हुआ, और उसी धमाके को हम कहते हैं बिग बैंग, ठीक है. और उस धमाके से वो धमाका जो था वो पूरे यूनिवर्स में फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया. और विद इन 3 एटम, उस धमाके के 3 मिनट के अंदर अंदर पहला जो मैटर है या पहला जो एटम है वो बन के तैयार हुआ, ठीक है. और उसी एटम से आपका पूरा कहा जाता है कि सोलर सिस्टम हमारा जो है और जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ था. नाउ अब हम देखते हैं स्टार फॉर्मेशन.
स्टार फॉर्मेशन भी मैंने आपको कल बताया था ना स्टार फॉर्मेशन। लेकिन अब हम देखते हैं क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स दीज इनिशियल। मैं आपको बुक से क्यों पढ़ा रही हूँ, वैसे मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बुक से पढ़ें ताकि बुक से आपको लर्न करने में आसानी होगी, इसलिए मैं नहीं तो मैं पीपीटी से बता देती आपको। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज गेव राइज टू डिफरेंसेज इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टूगेदर। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा कि धमाका हुआ, फिर आपका जो है एटम्स प्रेजेंट हुए और उन्हीं एटम्स से आपका क्या बना, गैलेक्सी। उसी से आपका जो है, आपके जो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस जो थे वो उनका क्रिएशन हुआ है, और हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वो आपस में क्या होने लग गए, एक्यूमुलेट होने लगे, एक साथ जुड़ने लग गए, और हाइड्रोजन और हीलियम के एक्यूमुलेशन से आपका क्या बन के तैयार हुआ, नेबुला। और नेबुला को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ठीक है, सो अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। और जब गैलेक्सी बनी तो गैलेक्सी के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ है, स्टार का। तो सबसे पहले यूनिवर्स था, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज बनी है, गैलेक्सीज के बाद स्टार, स्टार के बाद प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के बाद जो उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती है। ठीक है, नाउ गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, अगर हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने जाना है, तो अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, 1000 ईयर्स, है ना। और लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है ना, तो हम जो जो स्पेस में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम किस में करते हैं, किलोमीटर्स में नहीं करते, किस में करते हैं, लाइट में करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम कवर करते हैं। डायमीटर्स ऑफ द गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Eventually, growing nebula develops localized lumps of gases. आ जाता कि जब आपका गैलेक्सी बन गया तो गैलेक्सी में क्या फ्लोट हो रहा था, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और जब हाइड्रोजन हीलियम जो थे वो जगह जगह क्या होने लग गए, एक्यूमुलेट होने लग गए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं कहीं मैटर था, मैटर की वजह से उसमें गैसेस जो थे, अब जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं ऐसे करके, जैसे कि हमारा ये गैलेक्सी है पूरी, ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है, इसमें जगह जगह लम्ब्स क्रिएट हो गए, लम्ब समझते हो, जगह जगह इकट्ठा होने लग गए, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस, गैस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, वो जगह जगह आके इकट्ठा होना शुरू हो गए, और इन्हीं से क्या बना है हमारा जो है स्टार, इसी से स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। हमारे जो सन है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, गैसेस का, कौन सी गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो गैलेक्सीज थी उसमें जगह जगह आपके क्या बन गए, लोकलाइज्ड क्लंप स्टार्ट हो गए। क्लंप मतलब जैसे कि ठोस जो है आपके जो भी गैसेस थे वो जगह जगह आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, और उनके एक्यूमुलेशन से क्या बने, गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसमें एक स्टार कौन सा था, हमारा स्टार जिसका नाम है सन। ठीक है, तो कई हमारा जो सन है ये भी मीडियम साइज का स्टार है, वरना इससे अभी सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं, मतलब 10 times, 11 times, 15 times बड़े बड़े स्टार होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सन है अभी वो मीडियम साइज स्टार है, और अभी हमारा जो है वो मिडिल एज में चल रहा है। मिडिल एज मतलब कि अभी उसका अंत जो है थोड़ा टाइम बचा हुआ है, मतलब है तो अभी ओल्ड एज में नहीं आया, मिडिल एज में हमारा सन है। तो ये आपको समझ में आया स्टार्टिंग में, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, शायद आपको इतना थोड़ा सा डीपली आपको सोचना पड़ेगा, बुक एक बार आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, या तो आप जो मैं रिकॉर्डिंग करी हूँ आप सुन सकते हो। तो नेबुला था, नेबुला को ही हम गैलेक्सी कहते हैं, एंड नेबुला इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और उस नेबुला में जगह जगह गैलेक्सीज में जगह जगह क्लम्प्स बन गए, जगह जगह आपके हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा जिससे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आके उससे जुड़ना शुरू हो गई है, और उससे हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। और जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें हमारा स्टार था सन, और सन से जो है हमारे अदर प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। यहाँ पे लाइट ईयर दिया हुआ, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट। मतलब हमारा The mean distance between the sun and the earth is इतना, तो
बार लाइट ईयर भी पढ़ लेना थोड़ा सा, बस ज्यादा डिटेल में नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया है, लेकिन कल की क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको समझ में आया?